आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ एचओडी से, और अभी बज रखे हैं दोस्तों 9 बज चुके हैं, 9:30 होने वाला है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो सोमवार का व्रत है, तो आज 2 व्रत हो चुके हैं, तो तीसरा व्रत है आज। तो सुबह में व्रत नहीं रखने वाली थी, फिर पता है मुझे ऐसे सपने आए ना, सांप ही सांप आए सुबह मेरे सपने में, और फिर मैंने बोला चलो रखते हैं, क्योंकि रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था, बस मैगी खाई थी, बस हो गया। फिर मैं सुबह कहती थी मुझे नहीं रखना है व्रत करके, तो फिर बताया और सो गई थी मैं 5 बजे के बाद, बहन गई दौड़ने, तो 5 बजे बाद मैं सोई तो मुझे सांप के सपने आए, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए व्रत, 4 व्रत तो करूँगी। तो तभी मैंने व्रत किया, फिर नहीं तो मैं तो ही करने वाली थी, क्योंकि मुझे ना भूख सहन नहीं होती है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, भूख ऐसा हो जा रहा है मुझे, बीच में तो मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और मैं इनका वेट कर रही हूँ, पूजा और बब्बी का, बब्बी पूजा को देखी हुई है वहाँ, ये है बब्बी, और बब्बी ने सूट वेयर करी है, और पूजा भी अभी अंदर है, तैयार हो रही है वो, तो चलते हैं। इसमें हल्का पूजा का सामान है, पानी वहीं से भरेंगे, वहीं से चढ़ाएंगे, तो चलते हैं मंदिर में। ये है हम और ये पूजा दी है, देखो जो ताला लगा रही है, और मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है और छोड़ा वेयर करा है। दोस्तों आप लोगों को ना सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ। तो बीच में मैंने ब्लॉग कुछ बनाया नहीं और बधाई भी नहीं दी आप लोगों को, क्योंकि ऐसा बिजी शेड्यूल चल रखा है मेरा आजकल, क्या ही बोलूँ, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि सिलाई का काम भी बहुत हो रखा है आजकल मेरा, और कल का दिन बिजी गया, कल मैं गई थी हॉस्पिटल, हमारे किसी गांव में किसी का बेबी हो रखा है ना, तो वहाँ गई थी मैं, और फिर दिन में हम चले गए थे बर्थडे में, और बिल्कुल उनका भी मैंने बिल्कुल मिनी ब्लॉग भी नहीं बना रखा है, बिल्कुल मतलब ब्लॉग ऐड भी नहीं कर रखा है, तो वहाँ पहले मंदिर जाती हूँ अभी, उसके बाद ऐड करूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं। टाइमिंग का कोई वो ही नहीं है, मतलब मैं जब मन पड़ती है तब डाल देती हूँ ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी गलती हो आप लोग ना उस चीज़ को इग्नोर मारना, और अगर हो सके तो मुझे बता देना कमेंट करके, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है? तो ये लोग, ये देखो ये मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहे, तुम मेरे ग्रहण हो क्या? क्या हो फिर बताओ, चलो पप्पी बोलिए, लाओ के तो हैं हम दोनों, राव के तो है, सखियाँ है मेरे, ये मेरे बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड, ये मेरे बॉडीगार्ड है, हाँ ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड है, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है ये मेरे। तो चलते हैं अब मंदिर में, वहीं मिलते हैं आपको। मौसम की बात करूँ, आज मौसम बादल भी है, धूप भी है, अभी तो बादल हैं फिलहाल के लिए, अच्छा हो रहा है। और इन दोनों को देखो, ये तो फाइनली हम मंदिर पहुँच गए, मेरी साड़ी पूरी गंदी हो गई पानी में, लोटपोट हो गई है। सबसे पहले बैल बजाएंगे, नीचे डाल, नीचे नीचे डाल,
से डाल लो। ये दोनों चले गए मार्केट को, क्योंकि पूजा के सैंडल ना बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे हो गए। कल गए थे, परसों गए थे लोग, ये चले गए मार्केट को। और ये रहा मंदिर, पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट, और अब मैं जाती हूँ घर को। और मुझे अकेले जाना है घर को। ये वाला बजरंगबली का मंदिर है और ये वाला शिव जी का। तो चलती हूँ मैं घर को अब। और धूप देखो, अभी खतरनाक धूप लग गई भाई, खतरनाक। नज़दीकी है वैसे, चलते हैं आप। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं घर, बहन लोग तो चले गए मार्केट और बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे इतने कपड़े सिलने हैं ना, क्या बोलो। तो आज कल सोच रही थी आज से करूँगी काम करके मशीन का। तो साड़ी में अनकम्फर्टेबल लगता है, तो अभी साड़ी चेंज करती हूँ और उसके बाद ना ब्लाउज़ बनाती हूँ और फिर बटन भी लगाने हैं। किसी ने दिया था, दो ब्लाउज हैं उनके, तो देने हैं आज शाम तक। तो बच चुका है और मैंने अभी कुछ सिलाई नहीं करी, क्योंकि मैं एडिटिंग करने में लग गई और मेरा फ़ोन बहुत कम टच होता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है एडिटिंग में, क्योंकि बार बार वही हो जाता है ना, मैं टच करती हूँ फिर वो बंद हो जाता है, फिर खोलना ये करना वो करना करके। तो 2 बज गया है, एडिटिंग करी और मिनी ब्लॉग बनाया। और मेरी आवाज़ थोड़ा मतलब मेरी आवाज़ ना बहुत गंदी आ रही है, क्योंकि जुकाम की वजह से ऐसा हो रखा है मुझे, मेरा नाक ना बिल्कुल बंद हो गया है। और बढ़िया, स्कूल से आके क्या क्या खा रही है, चाउमीन, इसने देखो बंद कर दिया, चाउमीन, चने की सब्जी और पराठा खा रही है ना, ना? कैसा लगा भी स्कूल में आज? अच्छा, गंदा? अच्छा, आ गई क्या? ओए, दूध भी गर्म करना है। दूध गर्म करना है भाई, थक गई? हाँ, 5:30 और हम लोग सोए थे और उठ गए हैं। काबू को देखो पीछे, काबू पढ़ाई कर रही है ना, तो मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बना रही हूँ ब्लाउज़ और बहन ना किचन के अंदर पढ़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे उसका डिस्टर्ब करते हैं इसलिए वो किचन में पढ़ती है। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्लाउज़, मेरा ब्लाउज़ एक बना दिया है, फिर एक ब्लैक भी बनाना है। देखते हैं, पहले इसका काम ख़त्म करते हैं, फिर इसमें बटन भी लगाने हैं। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं, 8 बजने वाला है, 7:51 हो रखा है और जस्ट अभी खाली हो रखी हूँ मैं, मतलब बिजी थी अभी तक दोस्तों, बहुत बिजी। किसी का ब्लाउज आज ही देना था तो इस वजह से अभी तक मैं बटन लगाने में थी, अभी थोड़े बटन और लगाने थे। वो अपनी बहन को साथ दिया है, जैसे ही वो दौड़ने से आई मैंने बोला तू लगा दे यार, मैं जो दिया बत्ती करती हूँ करके, और कहा वहाँ पे किताब पढ़ रही है, तो अब मैं दिया बत्ती करती हूँ। और खाना ना कुछ नहीं बना रखा है अभी, ऐसे ही पड़ा है सब कुछ, तो फिर खाना भी बनाती हूँ आज, फास्ट है। कल रात को जिस दिन भी मेरा मंडे का व्रत होता है ना, कल भी मेरे को याद नहीं थी कल मंडे है करके, और कल बर्थडे पार्टी में से आए तो शाम को खाली मैगी बनाया था, बस हो गया। तो इस वजह से मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। वो मैगी से क्या होता है, थोड़ा तो होता है उसमें मैगी, वो 3 जनों के पेट में गया वो मैगी। चलो, तो अब दिया बत्ती करती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ, चने भिगा रखे हैं और पूरी और आलू और चने की सब्जी बनाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों दिया बत्ती हो गई है और मेरे ब्लाउज भी जा चुके हैं और मेरी मनी भी आ चुकी है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना मुझे, क्या ही बोलूँ, जिस दिन मेरा मतलब इतनी खुशी होती है ना जिस दिन थोड़ी मनी आती है। आजकल भगवान की कृपा से अच्छा खासा मेरा कारोबार चल रखा है, अच्छा हो रहा है आजकल, कारोबार ठीक ही चल रहा है भगवान की कृपा से। और आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और इसमें सब्जी बन रही है मेरी, और बहन ने गूंथ दिया है आटा। इसमें ब्लाउज़ में ना बटन लगाने में बहन ने भी थोड़ी मदद करी थी, अभी एक ब्लाउज़ में उसने लगा दिए बटन। तो इस आज लोहे की कढ़ाई है, मेरे पास लोहे वाली नहीं थी, मुझे लोहे की कढ़ाई वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आजकल अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल नहीं है ना मेरे पास कढ़ाई, तभी मैंने ले लिया ये। कल ली थी ना मैंने, हाँ कल ली थी मैंने, जब मैं मार्केट से आई ना, ऊपर सब खरीद रहे थे,
तो मैंने ये खरीदी है 200 रुपये की। और आज मैं इसमें पूड़ी बना रही हूँ। मेरी बहन ना बहुत जानकार इंसान है, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं यार, नॉलेज वाली है ये बहुत ज़्यादा। तो मम्मी को देखा होगा ना, इसने जब भी कोई बर्तन आता है तो उसमें मतलब क्या बनाते हैं रे, अच्छा खाना बनाते हैं यार, ता लगाते हैं बोलते हैं, हरमा गुनन की ता लगुनन। तो इसमें कुछ मतलब अच्छा खाना बनाते हैं कहती है ये, मेरे को तो कुछ नॉलेज